नमस्कार। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम वनडे में 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। मुंबई वनडे में मुश्किल से मिली जीत के बाद दूसरे वनडे में टीम इंडिया को मिली हार और इसके साथ सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। भारतीय टीम के लिए यह हार याद करने वाली है क्योंकि वनडे इतिहास में यह भारत की सबसे बड़ी हार है जो घर में ही मिली है। विशाखापट्टनम ने भारत ने पहले बल्लेबाजी की और सिर्फ 117 रन बनाए। टीम इंडिया सिर्फ 26 ओवर में ढेर हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में ही अपना लक्ष्य को हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 10 विकेट से जीत दर्ज की और 234 गेंद शेष रहते ही यह मैच अपने नाम कर लिया। वनडे में भारत की यह शेष गेंद रहते सबसे बड़ी हार है। टीम इंडिया को दोनों ही मैच में बेहतर शुरुआत नहीं मिली। पहले वनडे में शुभम गिल सिर्फ 20 रन बना पाए जबकि दूसरे वनडे में अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने बेहतर शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है लेकिन शुभम टीम इंडिया को वो नहीं दिलवा सके। दूसरे वनडे में शुभम का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया के विकेटों की झड़ी सी लग गई। T20 के सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव वनडे में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। यह सीरीज तो उनके लिए अभी तक भुलाने लायक रही है। लगातार 2 मैच में सूर्य कुमार यादव गोल्डन डक का शिकार हुए यानी वो अपनी पारी की पहली बॉल पर ही आउट हो गए। सूर्य लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ऐसे में मांग उठ रही कि उनकी जगह किसी और को मौका मिलना चाहिए। भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी लेकिन मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। सूर्या के बाद हार्दिक पांड्या केएल राहुल भी रन नहीं बना पाए। सूर्य कुमार यादव 0 में आउट हुए। हार्दिक पांड्या 1 में और केएल राहुल 9 रन बना पाए। तीनों सिर्फ 5 ओवर के भीतर ही आउट हो गए थे और तभी भारत का स्कोर 49 5 विकेट खोकर हो गया था। बॉलर भी साबित हुआ था फिसड्डी। भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 117 रन बनाए थे। ऐसे में बॉलर से अधिक उम्मीद करना मुश्किल था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह 11 ओवर में इसी लक्ष्य को हासिल कर लिया वो ज़्यादा दुख देने वाला साबित हुआ। इस मैच में सिराज ने 3 ओवर में 37 रन दिए और हार्दिक ने 1 ओवर में 18 रन दिए। कुलदीप यादव ने 1 ओवर में 12 रन लुटाए थे। धन्यवाद।